नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, जो मैंने कहा था वही हुआ। दोस्तों देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पदों पर भर्ती, जल्द ई अध्याचन जारी हो गया। मैं आप लोग से बार बार कह रहा था कि एनम की भर्ती आने वाली है और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 से आने वाली कौन कौन सी भर्तियां हैं वो भी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था और वो भर्तियां सभी ई अध्याचन आप लोग को देखने को मिल गया है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों 10 जून तक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें जो है जहाँ पर जो पद खाली हैं वो आप लोग बताइए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से यही बताया था कि 10,000 पद आपको देखने को मिलेंगे और यही सही बात बता रहा हूँ दोस्तों, 10,000 पद हैं। लेकिन ये जो है पुराना डाटा उठाया गया है, करंट का डाटा अभी देखा जाए तो दोस्तों 10,000 पद आपको मिलेंगे, 10,000 से ज़्यादा पद मिलेंगे। क्योंकि ये आप लोगों ने पेपर में देखा ही होगा दोस्तों, जब डाटा मांगा गया तो 2 साल पुरानी भर्ती का जो है डाटा दे दिया गया था। अभी जो है ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 5272 पदों पर जो भी भर्ती आई हुई है आप लोग तैयारी में लग जाइए। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ई अध्याचन जो आया हुआ है किस किस भर्ती का है और पीईटी 2023 के माध्यम से वो भर्ती जो है आ रही है। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे जब भर्ती आ जाएगी तब सर वीडियो बनाइएगा, काफ़ी उल्टा पलटा भी कमेंट करिए थे। आप लोग आंखें खोलकर देख लीजिए दोस्तों, अगर ना दिखाई दो तो चश्मा भी लगा लीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था पीईटी 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, यहां से देख सकते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों जो ये पूरा पीडीएफ में पीडीएफ पूरा आप लोग को बताऊँगा, एक एक करके स्किप एकदम ना करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, आयोग द्वारा संपादित कार्य, आयोग द्वारा वर्ष 2014 से 17 के मध्य 18,896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, वर्ष 2017 से मार्च 2022 के मध्य वर्ष 2020 व 21 कोविड महामारी से कुप्रभावित 19,318 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, शासन द्वारा 20/11/2020 से समूह गा के समस्त पदों पर चयन हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत समस्त आवेदकों हेतु एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा व विभिन्न विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था की गई। शासन के उपयुक्त निर्णय के अनुक्रम में आयोग वर्ष 2021-22 व 23 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा चुका है। माह अप्रैल 2022 से माह 2024 मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा, देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था आपसे कि करंट नहीं बताया गया है, ये माह अप्रैल 2022 से मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, कई भर्तियाँ ऐसी हैं। आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएँ, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आधार पर, अभी जो पीईटी 2022 का हुआ था दोस्तों उसके आधार पर जो काफ़ी भर्तियां हैं, और 2024 आपका चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों पहली भर्ती जो यहां पर दी गई है ग्राम पंचायत मुख्य परीक्षा, ये देख सकते हैं 2023 की है दोस्तों, 1468 पद हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का है दोस्तों 382 पद हैं। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा है 288 पद हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 477 पोस्ट है। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा 530 है दोस्तों, यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार 530 पद हैं। नेत्र परीक्षण अधिकारी मुख्य परीक्षा 157 है, और उसके बाद कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक जो है यह परीक्षा है दोस्तों 2023 की ही है, 5512 पद हैं। आशुलिपिक मुख्य परीक्षा जो है 333 है 2023 है, मतलब दोस्तों ये 2023 की भर्ती है जो पीईटी 2022 के माध्यम से आई हुई है, और भी अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और जो पीईटी 2023 है वो कौन कौन सी भर्ती है वो ही दिखाऊँगा। वन रक्षक वन जीव रक्षक दोस्तों 2023 की है, 709 पद हैं। और नक्शा नवीस व मानचित्र वाला जो है दोस्तों यह 2022 प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर है 283 पद, यानी 10,139 पद का यह विवरण दिया गया है कि इतने पद अभी 2022 पीईटी 2022 से होंगे। अब आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा कौन कौन सी है दोस्तों, आयोग द्वारा निकट की बात हो रही है, देखिए
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2023 के आधार पर है। आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2023 के आधार पर है, वो 2022 का था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आइए, भेषजिक आयुर्वेद मुख्य परीक्षा पहला विज्ञापन आया था 2024 का, 1002 पद हैं। सहायक स्टोर कीपर कीपर का है दोस्तों, ये पीटी 2023 के माध्यम से भर्ती 2024 में आई हुई है, 200 पद हैं। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा 1828 पद हैं। कनिष्ठ विश्लेषक मुख्य परीक्षा दोस्तों 417 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये 417 पद हैं। फिर ऐसे ही देखा जाए दोस्तों, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 361 पद हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और नहीं दिया गया है, वो फूड वाला है, कनिष्ठ विश्लेषक, हाँ है सर, है दोस्तों 417 पद हैं यहाँ पर, कनिष्ठ विश्लेषक फूड वाला, ये देखिए 417 पद हैं। और कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा जो है दोस्तों 361 पद हैं। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा जो है दोस्तों 134 है। और सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा जो है यह 3446 पद हैं। और अभियंता जो सिविल का है दोस्तों 4016 पद हैं, यानी 11404 पद पर जो है पीटी 2023 के माध्यम से यह भर्ती का यह योग दिया गया है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2023 के आधार पर प्रस्तावित नया विज्ञापन, देखिए मैंने नया विज्ञापन की बात किया है दोस्तों, नए विज्ञापन कौन कौन से आने वाले हैं पीईटी 2023 से, वो तो आ चुके हैं, जो अभी मैं ये ऊपर दिखाया हूँ आपको, ये 8 विज्ञापन आ चुके हैं और अभी बाकी इतने आने हैं, मतलब 11404 पद के लिए विज्ञापन आ गए हैं और 11805 यानी टोटल 22000 समथिंग पद जो है पीईटी 2023 के आएंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो दो पद हैं जिनको बार बार अभ्यर्थी पूछा करते थे, लेखपाल के लिए 4700 पद आ रहे हैं दोस्तों, और भूमि अर्जन अमीन के लिए 187 पद हैं। सबसे बड़ी भर्ती देखी जाए तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5272, यही मैं आप लोग से कह रहा था दोस्तों, 10000 पद आएंगे लेकिन 5272 ही पद आ रहे हैं दोस्तों। और मैंने ये भी बताया था फार्मासिस्ट के भी पद आएंगे, फार्मासिस्ट में एलोपैथी भी बताया था दोस्तों, लेकिन एलोपैथी अभी नहीं जिक्र हुआ है। होम्योपैथिक का यहाँ पर देख सकते हैं 397 पोस्ट होम्योपैथिक का आ गया है, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का। भंडारपाल एवं लिपिक का 120 पद है। बीसीजी टेक्नीशियन का है दोस्तों 255 है। और उसके बाद टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक का 37 पद है। अनुश्रवण सहायक का 26 है। अवर अभियंता, मैंने ये भी बताया था दोस्तों, अवर अभियंता मतलब जेई का पद भी आने वाला है विद्युत और यांत्रिक से, 498 पद है। कनिष्ठ सहायक के 200 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 113। यानी अगर देखा जाए तो दोस्तों 11805 पद जो हैं नए विज्ञापन आने वाले हैं। अन्य कई विभागों में अध्याचन अभी प्रतीक्षित है, यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, हो सकता है उसमें फार्मासिस्ट एलोपैथी के लगभग 6000 पद उसमें और अभी जोड़े जाएं, यहाँ पर देख सकते हैं कई अन्य विभागों से अध्याचन अभी प्रतीक्षित है। तो दोस्तों ये रह गया और पीटी 2023 से ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आयोग द्वारा आगामी 6 माह में दिसंबर 2024 तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं दोस्तों, मतलब दिसंबर 2024 तक इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं अवर अभियंता संगणक फोरमैन 1388 पद आए थे दोस्तों, ये 2018 की भर्ती है और जून 2024 में इसका रिजल्ट आना है दोस्तों। फिर मंडी परिषद नीलामकर्ता जो है मंडी परिषद पर्यवेक्षक का है दोस्तों, ये भी 2018 की भर्ती है, जून में इसका रिजल्ट आएगा, 242 पद। सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहायक शोध वाला दोस्तों, इसका रिजल्ट आ गया है जून में ही। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 की ये भर्ती है दोस्तों, ये एक बार पेपर इसका जो है हो चुका था, केवल नियुक्ति पत्र नहीं मिला था दोस्तों, उसके बाद भर्ती रद्द कर दी गई थी, फिर से ये भर्ती हुई है। जुलाई 2024 में इसका रिजल्ट आएगा, यानी जुलाई में आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मंडी परिषद का देख सकते हैं 6 नंबर पर, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का, ये भी 2018 की भर्तियाँ हैं दोस्तों, ये जुलाई 2024 में इसका रिजल्ट आएगा 16 पद के लिए। सबसे पुरानी भर्ती दोस्तों अगर इस लिस्ट में देखी जाए तो वो भर्ती है 4 नंबर पर, परीक्षा 2016 की यह भर्ती है, सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 कंबाइंड टेक्निकल दोस्तों, इसमें बहुत से पद थे और 292 पदों पर इसका अध्याचन आया था दोस्तों।
अगस्त 2024 में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा 2019 वन रक्षक वाला है दोस्तों, इसका सितंबर में रिजल्ट आएगा 655 पद पर। वन दरोगा 701 पद पर सितंबर में आएगा दोस्तों। अनुदेशक मुख्य परीक्षा ये 2022 की भर्ती है दोस्तों, 2406 पद नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। और मुख्य सेविका बहुत बड़ी भर्ती ये भी है दोस्तों, मुख्य सेविका जो है 2022 की भर्ती है। अभी इस पे देखिए स्टार लगा हुआ है, संशय है दोस्तों, नवंबर दिसंबर में आएगा 2693 पद, यानी 1125 पदों का सॉरी 11250 पदों का रिजल्ट आना भी बाकी है। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित होने के उपरांत चयन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जो कोर्ट केस हुआ है उसका देख सकते हैं यहाँ पर, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है दोस्तों। वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, खटर पटर हो रहा है, और उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्ट केस हुआ है, परीक्षा 7/2022 का है, भौरिर मुख्य परीक्षा है दोस्तों। विज्ञापन के संबंध में चयन संबंधी कार्रवाई माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। अब फिर मुख्य परीक्षा जो है दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2021-22 की है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आधार पर है ये। रिट याचिका संख्या शशांक शेखर सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/3/2023 को कनिष्ठ सहायक के विज्ञापित 62 पदों के सापेक्ष 08 याचिकागण हेतु 8 पद को रोकते हुए शेष 54 पद पर चयन की कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित किया गया है। तत्क्रम में उक्त 8 अभ्यर्थियों की श्रेणी का सही सही विवरण उपलब्ध कराने हेतु या अधियाचनकर्ता विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। ये हो गया। अब उसके बाद जो है दोस्तों, 2847 पद हैं जो कोर्ट केस हुआ है। 2022 की भर्ती है दोस्तों मुख्य सेविका। रिट याचिका संख्या 12924 2022 अनीता सिंह तथा 75 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य योजित है। उक्त रिट याचिका में पारित आदेश 13/12/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रम 4 सचिव उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को प्रश्नगत कर परीक्षा के अंतर्गत मुख्य सेविका के पद पर चयन के सापेक्ष परिणाम घोषित न किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। तो दोस्तों, ये सब जो है अभी कोर्ट केस के नाते ऐसा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयोग की तरफ से धन्यवाद दिया गया है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि साइन नहीं है। दोस्तों, ई अधियाचन जब जारी होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तत्काल में आनन फानन जो है विवरण देना पड़ता है, तो यह विवरण दिया गया है। तो ये सब है। अब एनम के जो अभ्यर्थी हैं, शुरू हो जाए दोस्तों, उनको मैंने बार बार कहा था कि आपकी भर्ती आने वाली है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और देख लीजिए, नवीन पद जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, होम्योपैथिक भेषजी मतलब फार्मासिस्ट की और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5272 पद आ रहे हैं। आपको एक सीट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयारी शुरू करा दिया गया है दोस्तों, आप लोग तैयारी जोरों से शोरों पर करना शुरू कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।